भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 तारीख को जीन में जो एक युवा हुंकार रैली के लिए आ रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया जो है वो काफ़ी हमने नोटिस किया है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ के जो युवा हैं उनका आह्वान किया है उस रैली के लिए। उसके तहत हमने कल से प्रोग्राम शुरू किया डबवाली से, और डबवाली से होते हुए कालांवाली होते हुए रोड़ी से हम जो है कल सिरसा पहुँच गए थे, और आज का जो प्रोग्राम है वो सिरसा से ओटू होते हुए रानिया, रानिया से एलनाबाद, और एलनाबाद के बाद नाथूसरी जमाल होते हुए हम लोग भट्टू से फतेहबाद पहुँचेंगे, और आज जो है फतेहबाद में स्टे करेंगे, और उसके बाद कल फतेहबाद के एरिया को कवर करते हुए रतिया करते हुए नरवाना तक पहुँचेंगे। और ये युवा आह्वान रैली है ताकि युवा और हमारी महिलाएं, खासकर पर्टिकुलरली महिलाएं जो हैं वो भी जागरूक हों, और वो भी बढ़ चढ़ कर जो है इस युवा हुंकार रैली जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो लेने वाले हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो ये हमारी एक कोशिश है। गुप्तचर एजेंसियां इस तरह के फीडबैक दे दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कहने की सोचने में विवश कर दिया, इस रैली को लेकर जाट हुंकार भर रहा है, विपक्षी दल हुंकार भर रहे हैं, 1 लाख मोटरसाइकिलों के एनजीटी ने भी सवाल उठा दिए, तो ये चारों तरफ से गिरती जा रही है आपकी रैली। नहीं देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो इसलिए विपक्ष जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो इसलिए वो मौके ढूंढता रहता है कि किस मौके को हम किस तरह से एनकैश करने की कोशिश करें, लेकिन जनता इन बातों को समझ चुकी है। और आप देखिए कि हमारा 1 लाख का टारगेट था, 1 लाख से ऊपर हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमें और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी युवा हमारा आगे आ रहा है कि नहीं, हमें, हम चाहते हैं कि हम उस युवा हुंकार रैली के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो मुझे लगता है कि ये बाकी रही बात जो आंदोलन के तरीके जो हैं वो आंदोलन करने के लिए कहीं कोई मना नहीं करता, लेकिन तरीका जो है वो एक कानून के तहत होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन, समाधान निकल जाएगा, और युवा हुंकार रैली है वो बहुत जोर शोर के साथ और बड़े उत्साह के साथ हमारे सारे युवा मनाएंगे। ये चीज ये है कि जैसे आपने वादे किए थे, मेरा मतलब ये है कि SYL और स्वामीनाथन आयोग पे आपका स्टैंड क्या है पार्टी का? देखिए, स्वामीनाथन की जितनी भी उसके अंदर रिपोर्ट्स हैं उसमें से आप ये कहिए कि 80-90% तक हमारी सरकार जो है, बल्कि उसमें जो लिखा हुआ है उससे भी बढ़ चढ़ कर जो है हमारी सरकार उनको, किसानों को दे रही है, और आगे भी हमारी पूरी कोशिश है। आज तक पहले कभी किसी ने भावांतर जैसे शब्द को यूज नहीं किया था, भावांतर क्या होता है इस तरह का किसानों को कुछ मालूम नहीं था, खास जो जो खरीफ की, जो रबी की जो फसलें हैं उन्हीं के ऊपर MSP वगैरह लागू होता था, लेकिन हमारी सरकार ये नई नई चीज़ें लेके आ रही है, आलू प्याज और टमाटर के लिए जैसे MSP के लिए कहा, और भावांतर की जो बात कही, तो ये इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसीलिए हैं कि हमारा किसान जो है वो जागरूक भी हो, और वो ये भी बात समझे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही फसल को लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो चेंज भी करता रहे जिसके अंदर उसको फायदा हो, और सरकार उसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। चाहे इसमें आपने देखा होगा जितना मुआवजा हमारी सरकार ने दिया आज तक पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया, 2-2, 2.5-2.5 रुपए के चेक लोगों ने दिए, आज वो बात करते हैं किसानों के हितैषी होने की। मैं तो ये कहूंगी कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों में ही कमी है कि हम लोग जो है जितनी हम सरकार जो है किसानों के लिए, जितना सरकार जो है वो एक वंचित वर्ग के लिए कर रहे हैं, हम लोग ठीक तरह से उन लोगों को बता नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि हम लोगों में ही कहीं ना कहीं कमी है, नहीं तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की हमारे किसान वर्ग को और हमारे मजदूर वर्ग को है वो ऊंचा उठाने में और उनके लिए कितनी योजनाएं लाने में सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं। आपने कहा रिवाड़ी से हुंकार भरी थी, उसने मनरेगा पेंशन का एक वो वादा दिया था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संगनाद किया था, आज हरियाणा इस हालत में है कि दूसरे प्रदेशों में जाके प्रतिनिधि बोलते हैं लोग मुंह मत करवा देते हैं, सेक्स रेशियो बहुत है, मृत्यु दर बच्चियों की बहुत है, नहीं देखिए ऐसा है कि इसमें हम कहीं कहीं कुछ भी अगर गलत होता है तो हम उसके ऊपर 100% सिर्फ सरकार के ऊपर उस बात को नहीं थोप सकते हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज कहाँ जा रहा है, हम लोगों से ये समाज बनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी समाज में भी है, हम लोगों में भी है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सख्त जरूरत है कि हमारी सरकार और NGO सामाजिक संस्थाएं और समाज मिलकर जो है इस तरह का, अब आप ये देखिए इसमें सरकार क्या करेगी, अगर कोई 8 माह की मुंह धोई कोई बच्ची है उसके साथ भी अगर कोई गलत, अगर उसकी मानसिकता है, तो आप इसमें बताइए कि इसमें सरकार जो है उसकी मानसिकता को कहां तक पकड़ेगी। फिर भी सरकार की कोशिश ये है नहीं, देखिए इसी के लिए हमने क्या किया कि हमने 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में है उसी तर्ज पर 14 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए और वो बिल जो है विधेयक विधानसभा में लेके आया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को इस बात की सरेआम अनाउंसमेंट कर दी कि हम बिल्कुल ये विधेयक लाने जा रहे हैं, ताकि जो जिन जिन इंसान की, जिस आदमी की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि उसको ये नजर नहीं आता है कि बच्ची जो है 10 साल की है, 5 साल की और 50 साल का, 60 साल का प्रौढ़, अगर वो भी इस तरह की हरकत करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये बात जो है, ये विधेयक हमारी तरफ से लाया जा रहा है। और इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसका भी हम लोग जहां सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं।